लेकिन भाई सरकार तो नंबर गेम से चलती है ना, और वो नंबर गेम आपके पास है नहीं। जनरल बख्शी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जरा उनसे भी एक कमेंट ले लेते हैं। जनरल बख्शी, आप देख रहे हैं पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया है। अच्छा, उनको कहीं जाना था, वो जा चुके हैं, लेकिन कमर आगा साहब मुस्कुरा रहे थे जब इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब वो सारी बातें कह रहे थे। फजलुर रहमान को कह रहे थे पहले भाई मोमिन हुआ करते थे, लेकिन अब काफिरों जैसी हरकतें कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान में इन शब्दों के कोई मोल तोल नहीं है, यहाँ सब एक बराबर है, लेकिन बावजूद उसके जरा ये बताइए कि ये दुख रहा है दिल, ये शहादत की तरफ के कदम है या ये मास्टर स्ट्रोक इस वक्त दिख रहा है कि लो मैं शहीद हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा आऊंगा, लड़ूंगा। बिल्कुल कुछ इसी तरह की बात नजर आती है कि शहादत की तरफ अपने को लेके जाते हुए। लेकिन मौलाना काफी पुराने लीडर हैं, जमीयतुल उलमाए इस्लाम से इनका ताल्लुक है और इनके मदरसे जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। ये देवबंद तहरीक से जुड़े हुए हैं, इनका असर अफगानिस्तान में भी काफ़ी है, ख़ासतौर से तालिबान के ऊपर इनके काफ़ी कंट्रोल है। और मौलाना के दूसरी तरफ बहुत अच्छे रिश्ते, ये सच है कि पाकिस्तान की फौज से भी हैं, और पाकिस्तान की कहा यह जाता है कि इनके खुफिया रिश्ते इन्हीं ने अभी भी बना रखे हैं, कई बार मिले भी। तो कमर साहब, आपकी समझ क्या कहती है, व्हाट नेक्स्ट, तख्ता पलट इस वक्त तो या नया इलेक्शन या इमरान इस्तीफा देंगे? देखिए, इमरान साहब की तो पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो आखिर वक्त तक लड़ेंगे, हो सकता है कि वो रिकमेंड करें कि असेंबली को बंद किया जाए और वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने। ये मसले आर्मी वहाँ पे तय करती है, इमरान खान के हाथ में नहीं है। इमरान खान, बाजवा साहब आज उनसे मिल रहे हैं, इस वक्त उनकी मीटिंग में जो तय हो जाएगा वही वहाँ पे अल्टीमेटली होगा। और आर्मी का अगर प्लान होगा कि इलेक्शन फौरन हो तो इलेक्शन कराएगी आर्मी चाहेगी। सब मेरे पास वक्त की कमी है क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज इतनी आ रही थी, हलचल इतनी थी, आप लोगों से बातचीत मेरी थोड़ी कम हो पाई है। मोना, अगर 10 सेकंड में मुझे बता पाए एक लाइन में, इस वक्त पाकिस्तान है कहाँ और जाता कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, टर्मोइल है इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है ये बदकिस्मत बात है कि हमारा कोई भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया। और जब भी कोई ऑपोजिशन का बंदा इस तरह से फंसता है तो जब भी गवर्नमेंट फंसती है तो जो भी ऑपोजिशन में होता है वो खुशियां मनाता है, लेकिन फिर जब उनके साथ ये सब होता है तो फिर वो कहते हैं देखेंगे जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है, अफसोस की बात है हमारे लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये अफसोस का मकाम है। और अभी भी आगे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारी जमहूरियत कम, उन्होंने हुकूमत में आपस में चीजें, ये जमहूरियत कम और जमूरे वाला डांस जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है मोना आलम, ये तो बिल्कुल सच है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।